बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम इल्मे इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्मे इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माय लॉर्ड इंक्रीज़ माय नॉलेज, आमीन। बेटा आपके पास वर्ब बुक है उर्दू की, ग्रेट वन की, ठीक है। आज हम बुक पेज नंबर 32 पर काम करेंगे। तो आपके पास है बुक पेज नंबर 32। सबसे पहले आप तारीख और दिन लिखेंगे, लिखा हुआ है रहनुमा लिखा है, ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें लिखना है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। इन अल्फाज को यूज़ करते हुए हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखेंगे। पॉइंट्स हमारे पास है नाम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का, वालिद का नाम, नंबर 4 है वालदा, और नंबर 5 है कुरान। तो सबसे पहले हमने लिखा है, पहला सेंटेंस हमारे पास है, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। नंबर 3 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। 4 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बीबी आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। नंबर 5 में हमारे पास क्या था, कुरान लफ्ज़। तो कुरान को हमने सेंटेंस लिखा है, या नबी सल्लम पर, आप सल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। उम्मीद है कि आपको पेज नंबर 32 अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसी तरीके से सफाई के साथ पेज नंबर 32 कम्प्लीट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।